हाय हेलो, सबको आवाज आ रहा है? लोग मैसेज करके बताओ यहाँ पर टेक्स्ट करके कि आवाज आ रहा है मेरा। सेट ऑप्शन है यहाँ पे, आपको मैसेज करूँ कि आवाज और स्क्रीन विजिबल है सबको सही से? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आप लोग पहले बता दो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अच्छे से नहीं आ रहा है यानी कि आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो फिर से ट्राई करना कनेक्ट करने का क्लास में। ठीक है, तो जो आज का ये है ना, ये डेमो क्लास है बेसिकली, और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत वाटर कलर के बारे में सीखेंगे। और आपको पता ही है कि 23 दिसंबर से वाटर कलर का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो इस क्लास से, डेमो क्लास से आप आइडिया ले सकते हो कि आपको समझ में आएगा या नहीं, सीख पाओगे कि नहीं। और अच्छा लगे तो आप वो जो वाटर कलर का क्लास है 12 डेज का, वो भी आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 घंटा ही है, तो 2 घंटा में सब कुछ तो कवर नहीं होगा ना। वाटर कलर थोड़ा बहुत हम बता देंगे, सिखा देंगे, हल्का फुल्का सा आइडिया देंगे बेसिक का थोड़ा, और उसके बाद एक पोर्ट्रेट ड्राइंग होगा, यहाँ पे हम बना भी रखे हैं पहले से, ये वाला कृष्ण जी का है। स्केचिंग पहले से ही हो गया, बस कलर करना है। स्केचिंग हम पहले ही कर ले क्योंकि टाइम उतना नहीं लगता है। आप लोग क्या करना कि पेपर और एक पेन रख लेना, और कुछ इम्पोर्टेंट हम बताएंगे तो लिख लेना थोड़ा। तो सबसे पहले बेसिक अगर स्टार्ट करें वाटर कलर में ना, सबसे पहले बेसिक ये होगा कि कौन कौन सा टूल्स हमको चाहिए होता है वाटर कलर के लिए। अगर आप यहाँ पे 2 घंटा क्लास कर रहे हो डेमो वाला, थोड़ा बहुत कुछ तो आपका हेल्प होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत बेसिक बताते हैं, स्टार्ट करते हैं मटेरियल से, कौन कौन सा हमको मटेरियल चाहिए होता है वाटर कलर पेंटिंग करने के लिए। अब ध्यान देना आप यहाँ पे ठीक से जो लिख रहे हैं वो सब देखना। सबसे पहले किसी चीज, कोई भी मीडियम में आप काम करो ना, दो इम्पोर्टेंट चीज होता है, और वाटर कलर में 3 चीजें इम्पोर्टेंट है बेसिकली। हम बड़ा पेन ले लेते हैं। तीन चीज बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है वाटर कलर पेंटिंग आपको अगर करना है तो, और बाकी अगर कोई और मीडियम में काम कर रहे हो, 2 चीज इम्पोर्टेंट होता है। पहला, जो मीडियम में आप काम कर रहे हो, मान लो आप स्केचिंग कर रहे हो तो पेपर जरूरी है, और दूसरा जो हमारा ग्रेफाइट पेंसिल है वो जरूरी है। सेम तरीके से अगर आप वाटर कलर में काम करना चाहते हो तो 3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले हमारा क्या हो गया, पेपर। सेकेंड हमारा वाटर कलर, और तीसरा हमारा ब्रश, वाटर कलर ब्रश आता है ना।
फ्लैट आता है, राउंड आता है, बहुत तरह का आता है। तो ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे आप अच्छे से थोड़ा सा ना खर्च वगैरह पैसा और खर्च करो, और अच्छा वाला लो, अच्छे क्वालिटी का, ताकि जो आप पेंटिंग मेहनत से कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे, खराब ना हो जाए एक टाइम के बाद। ये इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बाद बात करें कि पेपर कौन सा चाहिए होता है, जैसे यहाँ मेरे पास है पेपर इस। ये ब्रूस्टरों का पेपर है, हॉट प्रेस। हॉट प्रेस मतलब स्मूथ सरफेस वाला पेपर। इसका जो सरफेस है ना पेपर का, वो बहुत स्मूथ होता है। बेसिकली तीन तरीके का आता है पेपर, वाटर कलर में बात करें तो। तो आप बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ना हॉट प्रेस क्या होता है। सरफेस के अकॉर्डिंग, पेपर के सरफेस जो ये है ना, इसको बोलते हैं सरफेस। सरफेस के अकॉर्डिंग तीन तरीके का पेपर होता है, हॉट प्रेस्ड, हॉट प्रेस्ड, कोल्ड प्रेस्ड और एक आता है वुड पल्प का बना हुआ पेपर। वुड पल्प मतलब वो बिल्कुल ही रफ आता है पेपर वो, या फिर इसको सिंपली रफ ही लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा ऐसे। जो हॉट प्रेस पेपर होता है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाला पेपर होता है, बिल्कुल ही स्मूथ। उसमें आप कोई आर्ट वर्क करोगे ना, बहुत अच्छा स्मूथ सा बनता है, इसका सरफेस होता है स्मूथ। कोल्ड प्रेस हल्का सा इसका सरफेस रफ रहेगा, बिल्कुल ही रफ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वाला रफ। हम दिखा भी देंगे कैसा दिखता है। तो ये मीडियम रहता है, इस तरीके से कह सकते हैं, मीडियम टेक्सचर में। और जो रफ वाला होता है उसका सरफेस बहुत रफ होता है। नॉर्मली ये हैंड मेडेड पेपर होता है ना, ये हैंड से खुद से कोई बनाया पेपर वो बेच रहा है ऐसे करके, उसका टेक्सचर बहुत ज्यादा रफ टाइप का होता है, बिल्कुल ही रफ होता है। टच करने पे फील होता है कि टेक्सचर इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, इसका टेक्सचर बहुत टेक्सचर काफी ज्यादा रहता है इसके अंदर। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा हैचिंग करते हैं तरीके से, क्रॉस 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 क्रॉस। इसमें आप स्पेस देखो बहुत कम है, इसमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है, जो ये ब्लैंक ब्लैंक स्पेस है जो बन रहा है, ये स्क्वायर शेप ये सब बोल रहा है। और इसमें ना जो पेपर का टेक्सचर होगा वो इस तरीके से बिल्कुल ही टेक्सचर वाला पेपर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए लो कैसा दिखता है। तीनों का अपना इम्पोर्टेंस है, जैसे कि ये हॉट प्रेस पेपर, ये ब्रूस्टरो वाला है, इसका सरफेस आप देखो एक बार। है ना पूरा स्मूथ, ऐसा कुछ सरफेस इसका रहता है। तो पेंटिंग बहुत अच्छा बनता है, स्पेशली ये पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए बहुत अच्छा है। लैंडस्केप वाला भी कर सकते हैं, पर कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन जो पोर्ट्रेट हो गया जिसमें अगर आपको डिटेल कुछ वर्क करना है तब बहुत अच्छा रहता है। तो ये वाला पेपर है, ये भी हॉट प्रेस यानी कि स्मूथ टेक्सचर वाला पेपर है। और जो ये वाला है ये कोल्ड प्रेस है, इसके ऊपर मीडियम सरफेस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, खोल कर दिखाते हैं इसको। है ना टेक्सचर दिख रहा है, तो कुछ ऐसा रफ टेक्सचर होता है इसके ऊपर। और सेम तरीके से आता है ये वाला रफ पेपर, इस पे बहुत ज्यादा टेक्सचर रहता है। ये वाला पेपर मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि ये हम यूज ही नहीं करते हैं, मेनली हम दो ही यूज करते हैं, कोल्ड प्रेस और हॉट। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग यहाँ पे चैट में लिख देना, फिर समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कुछ भी, कोशिश करेंगे थोड़ा बताने के लिए एक्स्ट्रा भी, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो। अच्छा ये वाला कैंसन का है, ये भी स्मूथ वाला पेपर ही है। तो पेपर का ये बताया थोड़ा बहुत कि तीन तरीके का होता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वाटर कलर समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत हम बताते हैं तभी आपको पेंटिंग थोड़ा बहुत समझ में आएगा जब हम पेंटिंग करेंगे, और डेमो क्लास है थोड़ा बहुत समझाना जरूरी भी है। अब वाटर पेपर का बताया है, वाटर कलर का थोड़ा बहुत समझते हैं।
वाटर कलर मेनली ना बहुत तरीके का आता है, बट दो बहुत नॉर्मल सा है। एक तो जो ट्यूब में आता है, ट्यूब्स वाटर कलर आता है, और एक आता है केक या फिर पैन में बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ पर मेरे पास है जो ये वाला कलर है ना, ये ट्यूब वाला ही कलर है, इसको बस हम फिल कर दिए इस पैलेट के अंदर में। ऐसा ही ये दिखता है केक, केक वाटर कलर आप देखोगे सिंपली ऐसा ही दिखता है, पूरा ऐसा फिल रहता है कलर, वो ऐसा कुछ डिफरेंट उसका रहता है। अब दोनों का अपना फायदा है। अब अगर बिगनर लेवल पे हो तो आप केक वाला वाटर कलर यूज करना, और अगर आप अच्छे लेवल पे अभी हो, अच्छा खासा आर्टवर्क बना लेते हो, तब ट्यूब वाला वाटर कलर बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली कैमिल ब्रांड का। सस्ते का सस्ता और क्वालिटी भी बहुत इसका अच्छा रहता है। अब इसके बाद बात करें ब्रश का, तो ब्रश मेनली दो तरीके का आता है, एक सिंथेटिक वाला और एक आता है नेचुरल हेयर से बना हुआ ब्रश। जो नेचुरल नेचुरल हेयर वाला ब्रश होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये वाला जो है ना नेचुरल हेयर्स का ब्रश है, मतलब जो ये हेयर्स इसमें है ना, ये बिल्कुल नेचुरल है, मतलब किसी एनिमल का निकाला गया है और उसको ब्रश के फॉर्म में ऐसे बना दिया गया है। और इसका जो ये टेक्सचर होता है, ये बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है, जिसके कारण ना ये ब्रश जो है ना पानी काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और वाटर कलर में जरूरी यही है कि जो ब्रश आप यूज कर रहे हो वो काफी ज्यादा वाटर को होल्ड करे, ताकि आप काम बहुत ईजिली कर सको। एक अच्छे ब्रश का पहचान यही होता है कि वो पानी अच्छे से होल्ड करे, और जब आप उसको गीला करो, जैसे यहाँ पे हम गीला कर, यहाँ मेरे पास पानी है, इसके अंदर ये ब्रश डालेंगे ना, तो पहले से ही कलर लगा है। जब इसको पानी में डालोगे ना, तो इसका टिप पे बिल्कुल ना ऐसे पॉइंटेड हो जाता है इस तरीके से। और यही एक अच्छे ब्रश का पहचान है, जब भी आप ब्रश लो, या फिर मान लो आप ले ही लिए हो, तो ऐसे चेक कर सकते हो कि आपको अच्छा ब्रश मिल रहा है कि नहीं। पानी ये बहुत ज्यादा होल्ड करता है। जैसे यहाँ पर एक कलर को लेते हैं, एक बार कलर लिए, आप इससे आप इतना कितना लार्ज एरिया कवर हो, इसमें इतना सारा पानी है कि इतना सारा आप काम कर सकते हो एक ही स्ट्रोक में। ये एक अच्छे ब्रश का पहचान होता है। ये नेचुरल हेयर वाला ब्रश था, ये ब्रांड है सुनाई का ब्रांड है, यहाँ पे आप देखो नाम लिखा हुआ है, और ये अभी बैंड हो गया है, मतलब काफी टाइम से बैंड हो गया, मार्केट में नहीं मिलेगा। फिर भी आप पता कर लेना, आपसे आपकी तरफ अगर मिलता है तो ले लेना, बहुत अच्छा ब्रश है। और इसके बाद एक आता है नेचुरल, ये आता है सिंथेटिक ब्रश, वो भी आप देख मत कर, हाँ तो ये सब सिंथेटिक ब्रश है, ये नेचुरल हेयर वाला ब्रश नहीं है, सिंथेटिक, मतलब ये काफी लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। और ये इसमें उतना भी, मतलब जैसे यहाँ पे हम पानी फिर से डालते हैं इसके अंदर, इसका टिप पॉइंट उतना अच्छा नहीं बनता है जितना अच्छा उसमें बना था। ठीक है, ये सब बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हो तब अच्छा है, तब यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, 1-2 साल चलेगा, फिर इसका जो ये हेयर है ये खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ये डिफरेंस है। और जो नेचुरल हेयर वाला ब्रश था ना, वो बहुत लंबे टाइम तक, बिल्कुल लाइफ टाइम चलेगा अगर आप उसको सही से यूज करोगे और केयर करोगे तो। ये कुछ हम ब्रश का बता दिए, इससे आप आइडिया ले सकते हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। पैलेट का तो कोई चक्कर नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली जो किचन में आता है ना बर्तन वगैरह, वो भी आप यूज कर सकते हो। मेन ये 3 चीजें इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यहाँ मेरे पास ये पैलेट है, ये नॉर्मल सही है, तो बस कलर फिल कर दिया, यूज करते हैं काफी लंबे टाइम से, इसको यूज भी कर रहे हैं। तीन चीज हम बता दिए, पेपर, वाटर कलर, ब्रश, ये इम्पोर्टेंट होता है। अब हल्का सा वाटर कलर समझते हैं, थोड़ा सा टेक्निक हम बता देते हैं, और फिर वो जो पेंटिंग है कृष्ण जी का वो करेंगे।
कॉस्ट क्या है उस पेपर का, क्या लिखा हुआ है, पैलेट का, पैलेट का अच्छा का कॉस्ट अराउंड होगा 200 रुपीज़। चेकअप करना ऑनलाइन मिल जाएगा। वाटर कलर थोड़ा सा समझते हैं हल्का सा, ठीक है। वाटर कलर का हिंदी पता है जल रंग होता है, वाटर मतलब जल, कलर मतलब रंग, जल रंग हिंदी में कहते हैं इसको। यानी कि जो कलर वाटर में सॉल्यूबल हो यानी कि मिक्स हो जाए उसको कहते हैं वाटर कलर। लेकिन ऐसा कलर तो बहुत सारा होता है ना, एक्रेलिक कलर होता है, पोस्टर कलर होता है, ये क्या आता है, ये ऑयल पे ये आता है ना ऑयल कलर, उसको नहीं बोलेंगे वो, उसमें ऑयल भी यूज होता है, हमको पता नहीं ऑयल कलर हम कभी यूज ही नहीं कर रहे, तो मेनली बहुत सारा होता है। लेकिन वाटर कलर को बेसिकली ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वाटर जो कलर मिक्स हो जाए वाटर में तो वाटर कलर बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको। हम लोग बोल सकते हैं वाटर बेस्ड मीडियम, क्योंकि वाटर में मिक्स होने वाला ऐसा बहुत सारा मीडियम है, इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर बेस्ड मीडियम है ये। अब वाटर जी वाटर ना ये वाटर कलर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, तो अगर आप करना सीख जाओगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा कि ये कितना डिफिकल्ट है, इसमें हमसे तो हो ही नहीं पाता, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अगर आप कर लोगे ना फिर आपको बहुत मजा आने लगेगा, बहुत अच्छा लगता है करने में इसको, इसलिए इसको यूनिक मीडियम कहा जाता है। अब ये वाटर कलर पता होगा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, बिल्कुल ओपेक नहीं है ये, ओपेक मतलब बिल्कुल डार्क नहीं है, और ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट ही होता है, मतलब ये इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के कारण ही ये वाटर कलर ये डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि मान लो आप एक्रेलिक में काम कर रहे हो, एक्रेलिक में काम कर रहे हो और कोई आपसे कुछ गलती हो गया, मान लो कि जैसे कि ये कुछ आर्टवर्क है और आर्टवर्क आप कर रहे हो और आर्टवर्क के बीच में कहीं आप कोई डार्क कलर यूज कर लिए हो या कोई सा भी कुछ भी कलर यूज कर लियो, ऐसे ऐसे कलर कर लियो, इसको कवर करना बहुत आसान है। एक्रेलिक मीडियम में कोई सा भी आप कलर ऊपर से कलर कर दोगे वो कवर हो जाएगा, मिस्टेक आप छुपा सकते हो, बट वाटर कलर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ये जो वाटर कलर है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो यहाँ पे आप डार्क कलर यूज कर लियो, अब उसके ऊपर आप कोई भी कलर यूज कर लो वो कवर करना मुश्किल हो जाएगा, एक्सेप्ट अगर आप कोई डार्क एरिया पे काम कर रहे हो तब तो आप छुपा सकते हो। लेकिन नॉर्मली कोई लाइट एरिया पे काम कर रहे हो, कोई डार्क कलर आप यूज कर लिए तो ऊपर से कोई लाइट एरिया लाइट कलर ऐड कर रहे हो तो कवर करना बहुत मुश्किल होता है, और यही चीज इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। और यही सेम चीज अगर आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करोगे ना तो आप बहुत इजिली वाटर कलर को हैंडल कर सकते हो और बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हो, इसलिए इसको यूनिक मीडियम कहा जाता है। और साथ इसमें ना प्लानिंग करना पड़ता है किस तरीके से काम करना है, पहले ही आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे तब जाकर आप कर पाओगे, ठीक है। ये कुछ हम वाटर कलर का बताए हैं, ब्रश का हो गया है, वाटर कलर पेपर हो गया है, पैलेट आप देख लो कुछ ऐसा है मेरा, इसके अंदर ना वो जो कैमिल का आता है वाटर कलर ट्यूब 24 शेड वाला, वही सिंपली डाला हुआ है, इस तरीके से आप भी रख सकते हो। और इसके अलावा ना मास्किंग टेप वगैरह रहता है, ये सब यूजफुल टूल होता है वाटर कलर पेंटिंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कलर अप्लाई करने के बाद कैसे ये फुल सा गया है ना, दिख रहा होगा हल्का हल्का, इसी को थोड़ा सा ना बिल्कुल पेपर को स्ट्रेट रखने के लिए ये जरूरी होता है, मास्किंग टेप चारों ओर लगा दो आराम से, फिर आप बहुत इजीली काम कर पाओगे बिना ऐसा हुए हुए, आराम से हो पाता है। बिगनिंग में कौन सा कलर और पेपर यूज करें, बिगनिंग में मतलब अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो वाटर कलर में तो आप कुछ भी यूज करो, ये आता है ना फोटो कॉपी वाला जो पेपर आता है उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले प्रैक्टिस ही करो तभी तो आप अच्छा काम करोगे, और अच्छा काम करने के लिए आप बाद में कुछ भी ले सकते हो। ऐसे स्टार्टिंग में आप ले सकते हो ये वाला पेपर, बहुत अच्छा है, सस्ता भी है और अच्छा क्वालिटी का भी है, अनुपम ये वाला, अनुपम का है, 300 GSM का है, हॉट प्रेस ये पेपर है मेरे पास, इसका कोल्ड प्रेस पेपर भी आता है।
ये आप देखो स्कूलर ब्रांड का, इसका भी बहुत अच्छा रहता है। स्कूलर ब्रांड का ये है, A5 साइज का स्केचबुक है ये। इसके अंदर आप कुछ ऐसा आर्ट वर्क बना सकते हो वाटर कलर में, अच्छा बनता है इस पे भी। ये अभी रिसेंटली बनाए थे लाइफ पे। ऐसा कुछ आप अपने क्रिएट कर सकते हो। स्टार्टिंग के लिए आप यूज करो आराम से ये स्कूलर ब्रांड का और दूसरा अनुपम ब्रांड का। और वाटर कलर का बात करें तो आराम से आप कैम्पिल ले लो, सस्ता का सस्ता है और बहुत अच्छा क्वालिटी का भी है। इवन जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो भी यही यूज करते हैं। और कॉस्टली में लेना है तो बहुत सारा है, सर्च कर सकते हो आप, और कॉस्टली बहुत होता है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल सा है। और जो ये सब हम बताए ना, ये बिल्कुल अभी ये बोल सकते हैं 5% ही बताए हैं। एक्स्ट्रा अगर आपको सीखना है तो आप क्लास ज्वाइन करना, उसमें हम और डिटेल में बताएंगे। फिर 2 घंटे में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है। अभी नेक्स्ट हल्का फुल्का सा टेक्निक सीख लेते हैं। वाटर कलर टेक्निक मेनली 3 है इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से। अभी आप ध्यान देना और देखना कैसे हम बता रहे हैं, और समझने का ट्राई करना। वाटर कलर टेक्निक बहुत सारा होता है, बहुत सारा इफेक्ट भी होता है, वो सब हम क्लास में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम 3 बताते हैं इम्पोर्टेंट वाला। बेट ऑन बेट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये दो नाम ले रहे हैं, बेट ऑन बेट का मतलब गीला हो गया, और यहाँ पे एक बेट मतलब पेपर, पेपर गीला होगा, और दूसरा का मतलब कलर गीला होगा। ऐसा समझ लेना, एक पेपर के लिए कलर के लिए है, पेपर के लिए कलर के लिए है। सेम तरीके से एक बेट ऑन ड्राई होता है। तो मेनली ये दो इम्पोर्टेंट होता है, मेनली इसको ज्यादा यूज करते हैं ऐसे पेंटिंग वगैरह बनाने में, इसलिए हम ये दोनों बस बता रहे हैं। अगेन यहाँ पे ये पेपर हो गया, और ये हमारा, अच्छा ये वाला नहीं, ये हमारा कलर हो जाएगा इस तरफ, और ये ड्राई हमारा पेपर रहेगा। समझते हैं तो थोड़ा सा। बेट ऑन बेट यानी कि पेपर हमारा गीला होगा, तो पेपर को पहले गीला करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो वाटर कलर में, अगर आपको ये टेक्निक यूज करने का है तो आपको हल्का सा पेपर को ऐसे गीला कर लेना है अच्छे से बिल्कुल। अब ऐसा भी नहीं कि पूरा एक्स्ट्रा कर देना है, पूरा पानी ही पानी हो गया पेपर के ऊपर, ऐसे भी नहीं करना है, हल्का सा ऐसे गीला करना है। ठीक है, कर दिए। अब इसके बाद आप कलर लेना, कोई सा भी आपको जैसा भी आप काम कर रहे हो रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो आप कलर लोगे। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये ब्लू कलर। अब इस पे जब आप ऐसे अप्लाई करोगे ना, बिल्कुल ही ऐसा स्मूथ सा फिनिशिंग आपको मिलेगा, है ना। इसमें क्योंकि हमारा पेपर पहले से ही गीला है ना, तो आराम से कलर फ्लो करता है और हमको बिल्कुल स्मूथ सा फिनिशिंग मिलता है। लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि हम लोग के अपने कंट्रोल में ये नहीं है, मतलब क्योंकि पेपर पे भी जो पेपर है वो भी गीला है, और जो कलर हम लोग लिए वो भी गीला है, तो कलर कहीं भी जा सकता है पानी के अकॉर्डिंग, जैसा वाटर फ्लो करेगा वैसे जाएगा कलर। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लो यहाँ से आपको कलर हटाना है, फिर से आप ऐसे कर सकते हो, हटा सकते हो ब्रश की हेल्प से ऐसे। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है, और इसमें बिल्कुल आपको स्मूथ फिनिशिंग मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि डिटेल वर्क करना है, इसमें डिटेल कुछ काम करना है, तो उसको हल्का सा ड्राई होने का टाइम देना पड़ेगा। ड्राई हो जाने के बाद आप आराम से फिर जो डिटेल करना है वो करो, या फिर से इसी टाइप से काम करना है बेट ऑन बेट, फिर से आप पानी अप्लाई करो, फिर से कलर अप्लाई करो। इसको बोलते हैं बेट ऑन बेट, पेपर भी गीला और कलर भी गीला। अब ये सेकंड समझते हैं, बेट ऑन ड्राई। बेट ऑन ड्राई मतलब कि जो कलर है वो हमारा बेट होगा, लेकिन जो पेपर है वो हमारा ड्राई होगा। तो फिर हम पेपर को हम लोग ड्राई ही रखेंगे, कलर लेते हैं फिर से ब्लू ले रहे हैं वही सेम। आप देखो कितना लाइक पिगमेंट वाला कलर आया ना,
दोनों का आप डिफरेंस देखो आपके सामने ही है। इसमें बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा फेड कलर आया है, बिल्कुल लाइट कलर आया है, लेकिन स्मूथ लग रहा है देखने में। अब सेम तरीके से यहाँ देखो, ये भी स्मूथ लग रहा है, लेकिन इसमें कलर जो है वो बिल्कुल डार्क दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। दोनों का अपना यूज है, अपने अकॉर्डिंग आप जैसे काम करना चाहते हो तब आप यूज कर लेना। ये समझ में आया? ये हमारा था बेट ऑन बेट, यहाँ लिख भी देते हैं बेट ऑन बेट, डब्ल्यू डब्ल्यू लिख दिया बेट ऑन बेट, और ये वाला जो है ड्राई ऑन बेट। पेपर हमारा ड्राई रहेगा, कलर हमारा गीला रहेगा। जो ये वेट ऑन वेट टेक्निक है इसको आप यूज कर सकते हो। जो गैलेक्सी वाला स्काई नहीं होता लैंडस्केप में, आप लोग करते होंगे गैलेक्सी वगैरह, तो बिल्कुल कलरफुल टाइप का करना होता है, तब आप इसको यूज करो। क्लाउड वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है, और लैंडस्केप पेंटिंग के लिए तो है ही ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जो बैकग्राउंड आप क्रिएट करना चाहते हो बिल्कुल स्मूथ सा, तब ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और जो ये ड्राई ऑन बेड है ना, इसको आप लोग यूज करो आराम से पोर्ट्रेट पेंटिंग में यूज हो, ये भी पोर्ट्रेट पेंटिंग में यूज होगा, ये भी यूज होगा, दोनों साथ में। इसको आप लैंडस्केप में भी यूज करो, और डिटेल वगैरह कहीं ऐड करना है तब इसको फॉलो करना है। जैसे ये हम लोग कर लिए बेड ऑन बेड, ड्राई होने का टाइम दिए, यानी कि ड्राई ऑन बेड ड्राई होने का टाइम दिए, फिर हम लोग बेड कलर यूज करके डिटेलिंग ऐड करें, यानी ड्राई ऑन बेड ऐसे करना है। अब सेम तरीके से एक दो और बताते हैं जल्दी। एक होता है ड्राई ब्रश टेक्निक, हमारा ब्रश में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कलर आपको ले लेना है। जब इससे आप टेक्चर क्रिएट करोगे तो कुछ ऐसा होता है, में तो अलग ही आ रहा है ना, बिल्कुल टेक्चर अजीब सा। इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसा काम कर रहे हो, कैसा करना है, टेक्चर करना होता है। ठीक है, ये सब हमको बताना था, बाकी अब और क्लास में सीखोगे इतना कवर नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, इतना कुछ समझ में आया? कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 6:45 हो गया ना। मजा आया समझने में ये सब? ये सब बिल्कुल स्टार्टिंग का बेसिक बताए हैं। अगर आप ये सब 2 घंटा भी देख रहे हो तो जरूर खुद से प्रैक्टिस करना, बाद में प्रैक्टिस का भी बताते हैं कैसे करना रहता है। क्योंकि आप मान लो आप बिगनर हो तो पहले आप सिंपली क्या करो, कोई सा भी पेपर ले लो, जरूरी नहीं है कोई कोई हॉट प्रेस हो या फिर कोल्ड प्रेस हो, कुछ भी पेपर मिले, फोटो कॉपी वाला पेपर मिले, कुछ भी कोई खराब सा पेज है उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ऐसा स्ट्रोक का प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको है आपका जो हैंड है उसको अभी आदत नहीं है वाटर कलर का, तो सिखाना पड़ेगा ना। सिखाने के लिए आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, स्मूथ ब्लेंडिंग कैसे लाना होगा वाटर कलर के लिए, इस टाइप का प्रैक्टिस करो। वाटर कलर में ना हमेशा लाइट टू डार्क काम करना होता है, तो लाइट टू डार्क, ये लाइट किए फिर डार्क यहाँ पे कैसे दिखाए उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉर्मल पेंटिंग्स जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, लैंडस्केप, ये सब का प्रैक्टिस आप करना, ये सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और पोर्ट्रेट ड्राइंग हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि वो टफ होता है थोड़ा। हाउ टू ब्लेंड वाटर कलर, कुछ ब्लेंडिंग का टेक्निक नहीं होता है, बस आपको ब्रश को यूज करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सब ये ब्लेंड ही तो हुआ है ना, तो आपको ब्रश को यूज करना आना चाहिए, स्मूथ इस तरीके से दिखाना आना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपको ब्लेंड दिखेगा। 2 मिनट हम थोड़ा सा पानी चेंज कर सकते हैं।
चीज है, मान लो आप प्रिंटर में काम कर रहे हो ना, तो वाटर, ये जो वाटर कलर है ड्राई होने में टाइम लेता है, तो उसके लिए आप काम बोले सकते हो कि बहुत इजी पर टाइम हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर पाओगे। ये जो भी बताए हैं बस 5% ही है, और डिटेल में सीखने के लिए क्लास पर तो ज्वाइन कर। ये हमारा है स्केच, कृष्ण जी का है। क्लास ओवर होगा उसके बाद इसका हम दे देंगे फोटो, तो आप लोग बनाने का अगर मन होगा तो आप लोग बना सकते हो, रेफरेंस वगैरह मिल जाएगा और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा क्लास का, जो अभी ये हो रहा है ना डेमो क्लास का भी। इच्छा हो तो आप बना सकते हो, साथ में जो जो बताया प्रैक्टिस जरूर करना, जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे स्पेशली उनके लिए, और जो ज्वाइन कर रहे हैं वो तो बहुत कुछ आगे और सीखने ही वाले हैं क्लास को। अच्छा उसका ये कर लेते हैं सेटअप आप लोगों को, और उनको जो भी रेफरेंस वगैरह निकाल लेते हैं। ये रेफरेंस है, रेफरेंस में हल्का जो पिंक जो फेस है ना कृष्ण जी का, वो थोड़ा सा पर्पल पिंक टाइप का है, पर वैसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्किन टोन में ही रखेंगे, तो नॉर्मली स्किन टोन होता है वैसा। और अभी आप लोग लास्ट तक रहे ना, तो समझ में आया कैसे हम लोग को पोर्ट्रेट पेंटिंग करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ कवर होगा अभी। हो गया। सबसे पहले ये मास्किंग टेप हमको यूज करना होता है, जिससे कि हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल एक जगह रहे, एकदम तरफ ना भागे। ये मास्किंग टेप है नॉर्मल सा जो आता है मार्केट में, वही वाला है। तो हम लोग कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे इसका अप्लाई। इसको अगर आप यूज करते हो दो फायदा होता है वाटर कलर में, एक तो आपको बिल्कुल क्लीन सा एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, मतलब जो ये फ्रेम है ये मिल जाएगा क्लीन सा बॉर्डर टाइप, और दूसरा है कि आप वाटर कलर पेंटिंग बहुत इजीली कर पाओगे, प्रॉब्लम कम क्रिएट होता है। अभी 1 घंटे में ट्राई करेंगे इस पेंटिंग को कंप्लीट करने का। पहले हम भी ना 3 घंटे में बनाते थे, लेकिन अभी रेगुलर बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस मेरा हो गया ज्यादा, आराम से 1 घंटे में कवर हो जाता है। और ये A5 साइज का ये है पेपर, पेपर है ये ब्रूस्ट्रो का हॉट प्रेस पेपर, यानी कि स्मूथ सरफेस वाला। कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे कैमिल का, और ब्रश यूज होगा वही नेचुरल हेयर वाला ब्रश, क्योंकि अब जो सिंथेटिक वाला ब्रश है वो हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पहले वाला सब खराब हो गया, पैसा बस इसमें बर्बाद होता है कुछ नहीं। अगर आप बिगनर हो तो बस आप यूज करना जो नॉर्मल आता है, फाइबर कास्टल का था मेरे पास, अच्छा है लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन जब आपको और बहुत अगर आप खर्च कर सको तो अच्छा वाला ब्रश लेने का ट्राई करना। तो
स्केचिंग हमारा कंप्लीट है और यहाँ पे क्या करना है, सबसे तो पहले हल्का सा इरेज कर लेंगे इसको, आउटलाइन को, क्योंकि कलर वर्क है हमारा। कलर वर्क आप जब भी करो, कुछ कलरफुल करोगे ना, तो हल्का सा ग्रेफाइट को रिमूव कर लेना चाहिए ताकि बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा ना दिखे पेपर के ऊपर। तो ये मेरे पास नीरे वाली इरेजर है ब्रूस्ट्रो का, कोई सा भी ब्रांड का ले लेना। और इससे ना पेपर पे अगर ग्रेफाइट है तो बहुत इजीली हट जाता है। सिंपली इसको इस तरीके से यूज करके ग्रेफाइट हटा लेते हैं पेपर के ऊपर से। हाँ कर सकते हो आप बिंडिंग में, आप जितना कष्ट उठा सको उतना अच्छा, मतलब जितना प्रॉब्लम सह सको उतना अच्छा, क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है तभी सॉल्यूशन भी आता है। जब आप कुछ प्रॉब्लम में, मान लो आप ड्रेस यूज कर रहे हो कोई सा भी, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा तब आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे, जब सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे, और आप उस वाले ब्रश से भी काफी अच्छा वर्क कर पाओगे। ये फायदा होता है, इसलिए प्रॉब्लम में रहना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। मैम प्लीज प्रोवाइड द लिंक फॉर कलर स्केच। लिंक ठीक है, मिल जाएगा। तो वो हल्का सा इरेज कर लिए, पहले बिल्कुल डार्क सा दिख रहा था ना, बिल्कुल लाइट हो गया है। 50% तक इरेज ये हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ये मास्किंग फ्लूड होगा ले लेना, ये वाला मास्किंग फ्लूड होता है बेसिकली। इससे हम लोग हाईलाइट कहीं दिखाना है, जैसे कि आईज के ऊपर हाईलाइट आता है उसको दिखाने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये व्हाइट टाइप का होता है, फेविकॉल टाइप होता है, लेकिन फेविकॉल नहीं है, कुछ और ही है, पता नहीं क्या है, पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कहीं निकालते हैं इसको, पहले तो ही निकालते हैं। कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ब्रश लेते हैं और उसके हेल्प से अप्लाई करना होता है। एक बूंद बहुत है, बहुत ज्यादा है। अब रेफरेंस आप देखो कहाँ कहाँ हाईलाइट है। हाईलाइट है ना ये डॉट डॉट, जो मतलब हाईलाइट आ रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे डॉट लगा दो। यहाँ पे हाईलाइट है, जहाँ पे भी हाईलाइट सिंपली रेफरेंस से बिल्कुल ऐसा ब्राइट वाला हाईलाइट बोल रहे हैं, ऐसा कहीं पे भी है सिंपली आप आराम से वहाँ अप्लाई करो। ये आपको लगता है कि आप कलर करते वक्त मिस्टेक कर दोगे, जैसे यहाँ पे ये टीका वाला पार्ट है, ये अगर आप मिस्टेक कर दोगे, यहाँ पे कलर आप ला दोगे, तब आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, और देखिए और देखते हैं कहाँ कहाँ पे हाईलाइट है। तो यहाँ पे हाईलाइट है, सिंपली रेफरेंस में आपको ऑब्जर्व करना होगा कहाँ कहाँ है और वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे। ज्वेलरी पे तो अप्लाई करना जरूरी बहुत है, क्योंकि कई बार कलर करते करते इस पे भी कलर हो जाता है, गड़बड़ हो गया तो कोई नहीं। ये सब ज्वेलरी वाला पार्ट है, इसलिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सिंपली आप जिस यहाँ पे ये वाला चीज, जहाँ मास्किंग फ्लूड इसको बोलते हैं, सो जहाँ भी आप यूज करोगे ना, वहाँ पे एक तरीके से ये लेयर क्रिएट कर लेता है। और ये हल्का सा ना क्या होता है, प्लास्टिक टाइप होता है, और इसके ऊपर कलर नहीं आ पाता है। कलर नहीं आ पाता यानी कि जो जिस एरिया पर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ रहेगा। बाद में सिंपली इसको ना इस तरीके से रब करके निकालना होता है और वो निकल जाता है, और बाद में आप ये जो आप जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहे हो आराम से वहाँ पे काम कर सकते हो। लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है ये। और जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं। अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे वो भी बता देंगे, थोड़ा तो सा आप लोग सब्र रखो, साथ में रहो, लास्ट तक रहना, वीडियो देखना पूरा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग से भी देख लेना। जो लोग जो अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, ये वाला काफी लोग नहीं आए हैं।
वैसे से अप्लाई करेंगे, सब जगह ऑलमोस्ट अप्लाई हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करें। जैसे तुम यहाँ पे हटाए ना, सेम तरीके से पेपर के ऊपर से भी हटाना रहता है। 2 मिनट उसको सूखने का देना पड़ेगा, देन हम लोग कलर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये चीज था तो हम तो अप्लाई कर लिए, पर जरूरी नहीं है कि सबके पास ये होगा ही। उसके जगह आप क्या करोगे कि आपको ध्यान रखना होगा कि ये वाले पार्ट को कलर नहीं आना चाहिए, ऐसा दिमाग में रखना पड़ेगा। और आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ कलर करना पड़ेगा ताकि वहां पे कलर ना आ सके, यही करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं। और ये अगर चीज आप ले लोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा काम करने में। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा, देंगे लिंक पे आप, लिंक पे कि मैंने आपकी सेव कर दी। अरे बहुत अच्छा, थैंक यू, अच्छा बना है। ड्राई होने का इंतजार नहीं करते, इसको क्या करते हैं कि मेरे पास है वो हेयर ड्रायर, इसको ड्राई करते हैं। तो आवाज कम कर लेते हैं कि नॉइज आएगा। अभी हम लोग आराम से कलर करेंगे। कलर कैसे करना है वो आप समझोगे, पहले रेफरेंस आप ऑब्जर्व करोगे। कोई सा भी आप मीडियम में काम कर रहे हो, पर जरूरी है कि आप रेफरेंस को ऑब्जर्व करो। और रेफरेंस ऑब्जर्व करते करते आपको चार चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहला तो कलर हो गया, कलर कौन कौन सा है इस रेफरेंस में। अब रेफरेंस से आप यहाँ पे कलर देखो, जैसे हेयर है ये ब्लैक है, जहाँ पे हाईलाइट आ रहा है वहाँ पे हल्का सा ब्राउन है, ज्वेलरी का आप देख सकते हो येलो कलर का टोन यूज हुआ है। फेस पे आप देखो कि फेस यहाँ पे वैसे पर्पल पिंक टाइप का है, लेकिन हम ऐसा नहीं रखेंगे, नॉर्मल सा स्किन टोन रखने वाले हैं। लिप्स का कलर आप चेक करो कौन सा है, आईज का देख लो, सबका इस तरीके से चेक करना है। बैकग्राउंड का आप देख लो कैसा कैसा कलर है, और उसके अकॉर्डिंग आपको साइड में कलर का आप रख सको, अलग से कोई पैलेट हो तो रख सको तो आप रख लेना, ईजी रहता है उसे काम करने में। अब देन हम सेकेंड चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट कहाँ कहाँ है। हाईलाइट मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल ब्राइट वाला जो जगह है वो कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो आप, हाईलाइट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे है हाईलाइट, ये है हाईलाइट नोज की टिप पे, जहां जहाँ लाइट बहुत ज्यादा आता है वो होता है हाईलाइट वाला पार्ट। इधर भी है, इधर भी है, यहाँ भी है। इस तरीके से ऑब्जर्व करना है और ध्यान रखना है कि ये वाला हाईलाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे हम लोग बहुत कम कलर यूज करेंगे, बिल्कुल लाइट फॉर्म में यूज करेंगे लाइटली। अब उसके बाद मिड टोन देखना है, मिड टोन कहाँ कहाँ है और शेडो कहाँ कहाँ है। शेडो बिल्कुल डार्क दिखेगा पूरा अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो, जैसे यहाँ पर ये सब जहाँ पे लाइट नहीं आ पा रहा है सही से, वो हो गया शेडो वाला पार्ट। अब लाइट और शेडो के बीच में जो भी आ रहा है वो हो गया मिड टोन, यानी लाइट और शेडो के बीच वाला पार्ट को कहेंगे मिड टोन, ऐसे समझ सकते हो आप। जैसे यहाँ पे आप देखो जूम आउट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे हाईलाइट आ रहा है, ये हो गया मिड टोन जो ये पिंक पिंक सा दिख रहा है, फिर यहाँ पे जो ये कॉर्नर वाला पार्ट है ये हो गया शेडो वाला पार्ट। इस तरीके से आप समझ सकते हो, और ये सब ध्यान देते हुए कलर को यूज करना है। और वाटर कलर जब भी करेंगे लाइट टू डार्क में काम करना है। क्यों करना है ऐसे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, पहले ही अगर आप डार्क कलर यूज कर लोगे तो उसको लाइट करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल ही है, इसलिए हमको लाइट टू डार्क कलर यूज कलर करते हुए कलर करेंगे आराम से, पहले लाइट कलर फिर उससे और डार्क कलर फिर डार्क कलर, ऐसे करें। चलो आप कलर करते हैं। सारा कुछ आपको बेसिक बता दिया गया है,
बहुत अभी समझ में आ रहा होगा। ये आप देखो, बड़े साइज का ब्रश आपके पास होना चाहिए एक दो, ठीक है। ये मेरे पास बहुत, इससे भी मेरे पास बड़े साइज का ब्रश है। आप ये देखो, देखकर हंसी आएगा, है ना। बहुत साइज का, बहुत बड़ा साइज का ये ब्रश, ऐसा ही थोड़ा बहुत बड़े साइज का होना चाहिए ताकि आप बड़े बड़े साइज के पेपर पे आराम से काम कर सको। तो और भी बहुत सारा यूज है, हेल्पफुल बहुत है ये। बड़े साइज का ब्रश तो होना ही चाहिए। इस ब्रश को बिल्कुल ही गीला कर लिए हैं। अब इसको हम लोग जहाँ पे कलर करना स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपली आप वहां पे अप्लाई करो। हम अभी फेस से स्टार्ट करेंगे, तो फेस पे कलर अप्लाई कर पानी अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बेट ऑन बेट टेक्निक यूज करेंगे। पानी अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम लोग कलर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हुआ बेट ऑन बेट टेक्निक। जहां जहां आप स्किन पे काम करना चाहते हो वहां वहां पानी लगा लो ऐसे। हेयर वाला पार्ट हो गया, साथ में टिश्यू पेपर रख लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है रखना चाहिए। पानी अप्लाई करें और पेपर को थोड़ा सा ये पानी को सोखने का टाइम थोड़ा बहुत देना चाहिए, अराउंड 5 सेकेंड या 10 सेकेंड ऐसे करके। आपको कैसे पता चलेगा कि पेपर पानी लेने पानी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है? थोड़ा थोड़ा अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो पेपर फूलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि पेपर के अंदर पानी जाना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा, ऐसे आप समझना। ये कर दिए। अब इसके बाद हम लोग जो हमको कलर चाहिए वो हम मिक्सिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम स्किन टोन में करने वाले हैं कलर को, कृष्ण जी को। तो यहाँ पे स्किन टोन बनाने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। पानी ले लो आप आराम से, ऑरेंज ले लो हल्का सा। ये ऐसे भी हमारा स्किन टोन बन गया है, बिल्कुल नॉर्मल वाला। ये हो गया टेक्निक 1, स्किन टोन बनाने का। टेक्निक 2 है कि सिंपली आप फिर से पानी ले लो और हल्का सा रेड ले लो, ये भी एक स्किन टोन ही होता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। सेम तरीके से ब्राउन हो गया है ना, रेड में आप व्हाइट यूज कर सकते हो, वो भी स्किन टोन ही बन जाता है। इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो हम लोग रेड में हल्का सा पानी मिक्स कर रहे थे वो वाला हम यूज करके अभी हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको तो आप आराम से कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट कलर है, ये दिखेगा नहीं उतना पेपर के ऊपर। और हाँ, जब भी आप कलर अप्लाई करोगे ना, वो सूखने के बाद हल्का सा फेड हो जाता है, मैंने मतलब जो कलर है ना वो बिल्कुल लाइट सा हो जाता है हल्का सा। तो कलर आप थोड़ा डार्क, मतलब थोड़ा पिगमेंटेड वाला ही लेना, कम कलर नहीं लेना ऐसे करके, समझ सकते हो। नहीं तो बार बार आपको इसे स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। ऐसे अप्लाई किए, ये टिश्यू पेपर है, इसमें आप पानी एक्स्ट्रा इस तरीके से हटा सकते हो ब्रश का। अब इसके बाद मान लो आपको कहीं से ना, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ आपको व्हाइट ही चाहिए था लेकिन यहाँ पे आ गया है कलर, तो इसको हटाने का सिंपल सा टेक्निक है। ब्रश को आप ड्राई करो ऐसे, देन आप आराम से ऐसे हटाने का ट्राई करो, आराम से हट जाता है कलर। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपका पेपर गीला होगा। पेपर अगर ड्राई हो गया देन आप ट्राई करने का, ड्राई ये कर रहे हो हटाने का कलर, तब नहीं हटेगा। पेपर ड्राई होना चाहिए देन आप, पेपर वेट होना चाहिए देन आप ट्राई करना ऐसे, आराम से ऐसे हट जाता है। अगर आप देखो बिल्कुल लाइटली हम लोग कलर यूज कर रहे हैं, बिल्कुल लाइट सा से रही है, स्किन टोन का दिख भी नहीं रहा होगा, इतना लाइट है। अब धीरे धीरे हम लोग डार्क कलर यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं अभी।
अब जो पहले से हम लोग रेड और पानी मिक्स कर रहे थे, अभी थोड़ा सा कम पानी कर सकते हैं और रेड ज्यादा ले सकते हैं, फिर ऑरेंज और पानी को मिक्स करके से कर सकते हैं। स्मॉल साइज का ब्रश लेते हैं थोड़ा पहले, क्योंकि इससे काम करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा अभी। शैडो वाले पार्ट को करते हैं, तो यहाँ पे शैडो आएगा। अभी लग रहा हो अभी तक ये बिल्कुल डार्क सा कलर ले लिया है, बट ऐसा नहीं है, ये सूखने के बाद ड्राई हो जाएगा, तो इसको ब्लेंड भी करेंगे स्किन के साथ। काम जल्दी जल्दी करना है पेपर के ड्राई होने से पहले। बेट ऑन बेट कर रहे हैं तो देखो आराम से अपने आप जो कलर है ना अपने आप फैलना स्टार्ट कर रहा है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है ना, अपने आप ये फैल रहा है, जहाँ अपने मन से ही जा रहा है, बस हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि इसको यहाँ नहीं जाना है, वहां से हटा दे रहे हैं, जैसे तो यहाँ पे हमको कलर नहीं चाहिए इसको हटा दे रहे हैं। ये चीज हमको कुछ इस तरीके से बेसिकली करना रहता है। वाटर कलर में ना 50% तो कलर खुद ही काम कर देता है, जो पानी है और जो कलर है, यानी कि वाटर कलर खुद काम कर देता है, और 50% हमारा होता है कि हमको देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कलर चाहिए कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, ऑब्जर्व करना पड़ता है कहाँ पे डार्क कहाँ पे लाइट ये सब। ऑब्जर्व कर रहे हैं रेफरेंस, जैसे यहाँ पे हाईलाइट था तो यहाँ पे कलर ज्यादा आ गया तो हटा दिए, नहीं करेंगे अब, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें होगा तो हम बता देंगे, अभी आप देखो कैसे हो रहा है। और जो 12 डेज का वाटर कलर वर्कशॉप जो कि 23 दिसंबर से स्टार्ट है, उसमें ना 5 पेंटिंग कवर होने वाला है, वो भी कैसे पता है, बिल्कुल बेसिक से, पहले एक बिल्कुल बेसिक लेवल का पेंटिंग, फिर थोड़ा सा टफ पेंटिंग मीडियम वाला थोड़ा, फिर बिल्कुल ही एक डिटेल वर्क वाला पेंटिंग कैसे करना है वैसे कवर होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, जरूर आप लोग ज्वाइन करना। जो समझ में आ रहा है अभी जैसे हम समझा रहे हैं, समझ पा रहे हो आपको लग रहा है कि आप सीख जाओगे बहुत इजीली, तो जरूर ज्वाइन करना आप लोग। पांच पेंटिंग कवर होगा लाइव में, जैसे अभी क्लास चल रहा है ये लाइव क्लास हुआ, लाइव पेंटिंग होगा पांच, बेसिक कवर होगा बहुत सारा, 4 क्लास तो बेसिक के ऊपर ही है, फिर पोर्ट्रेट पेंटिंग वगैरह स्टार्ट होगा, और 5 एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है। हल्का सा ये ब्राउन और रेड को मिक्स करते हैं अभी, अप्लाई करेंगे शैडो वाले पार्ट पे। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है पूछो, साथ में क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन तो आया हुआ है, लैपटॉप बहुत दूर रखा हुआ है, 1 मिनट हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब इसको सुखाते हैं हेयर ड्रायर से, फिर इस पे और काम होगा। वाटर कलर का ये भी है कि काम कर लिए हो और फिर ड्राई होने का ना थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, अगर इंतज़ार आप नहीं करोगे तो मतलब आप लगातार काम कर रहे हो, लगातार काम करने से सही से काम नहीं होता, गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा सूखने का टाइम देंगे। सूखने का टाइम क्या देंगे, बस ड्रायर उससे ड्राई करेंगे इसको जल्दी से।
इन्हीं के पेपर थोड़ा सा खराब क्वालिटी का है, आप कलर मिक्स करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तब सामने बनेगा। जो पेपर इम्पोर्टेंट होता है पेपर का जीएसएम, हाँ जीएसएम तो हम बताए ही नहीं, एटलीस्ट 300 जीएसएम तो होना ही चाहिए। जीएसएम मतलब पेपर का जो मोटापन बोलते हैं ना, हाँ जो जितना ये पेपर है इसका मोटाई, मोटाई मतलब मोटा कितना दिख रहा है वो आप चेक कर लेना है, फिर 300 जीएसएम पेपर देख कर लेना, तब उस पर आप जब काम करोगे तो बहुत इजिली हो पाएगा अच्छे से। अब ये सूख गया है, इसको सुखा लिए हैं, फिर से कलर अप्लाई करते हैं इसको। लाइट टू डार्क कलर ले रहे हैं, अभी हल्का सा रेड में ब्राउन मिक्स किए थे, अब तो इसको अप्लाई कर रहे हैं। ब्लैक कलर हमेशा लास्ट में यूज करना है। अभी जो कर रहे हैं ये कौन सा टेक्निक हो गया, तो वो वाला ड्राई ऑन बेट, पेपर हमारा ड्राई कलर हमारा बेट, ये दोनों टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आपको प्रैक्टिस करो ताकि आप आराम से कोई भी काम कर सको वाटर कलर में। अच्छा आप लोग अभी बताओ, जितने भी लोग अभी हैं आप लोग कितना समझ में आया अभी जो समझाएं, आपको क्या लगता है अभी आप वाटर कलर कर पाओगे? करो आप लोग मैसेज। शैडो आ रहा है यहाँ पे, इस तरीके से डार्क दिखेगा।
क्लास का फी ज्यादा है, ये आपको ज्यादा लग रहा है? इससे भी ज्यादा 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 वाला फीस बहुत आपको मिलेगा। इन पेंटिंग आप सीखने वाले हो, बेसिक कवर होने वाला है, मैं इतना फी नहीं रहेगा तो कितना रहेगा आप ही बताओ। अगर आप ठीक से थोड़ा ट्राई करोगे और क्लास का पता करने का, फिर आपको मालूम चलेगा ये फी कितना है कितना नहीं। ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो दो चार मैक्सिमम दो तीन क्लास का ना इससे दुगना चार्ज करते हैं, फी कम नहीं होता है। जो आप काम सीखना चाहते हो उसके लिए आप थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं खर्च नहीं कर सकते हो क्या? स्कूल में आप इतना खर्च कर रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ आपको पसंद है उसके लिए आप खर्च करने के लिए इतना ज़्यादा सोचते हो। देख लो क्या करना है। मेरे हिसाब से फीस ना बहुत ज्यादा ये है, अफोर्डेबल बोल भी नहीं पा रहे, मतलब अच्छा है, मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है। अभी तक हम ये मेरा आठवां बैच है, इससे पहले सात बैच हो चुका है और सब में ना बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। अराउंड 300 300+ आर्टिस्ट लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबको अच्छे से समझ में भी आता है। पर ऐसा नहीं है कि आप सीखोगे नहीं, बहुत कुछ सीखने वाले हो। मान लो अभी आप 10% पे हो तो आप आराम से 50% तक पहुंच जाओगे, अपना आर्ट को अच्छा खासा इम्प्रूव कर पाओगे। तो ड्राइव होने का टाइम देना है थोड़ा सा। एक और चीज है वाटर कलर का, इसमें ज्यादा ना ब्रश को घिसना नहीं रहता है, जितना आप स्मूथली कर सको, मतलब क्या बोले जैसे कि ऐसा बुरा ऐसा, यहाँ पे आप देखो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है जो हम कर रहे थे अभी, जितना बिल्कुल ब्रश को ना आराम आराम से हैंडल करना है और कलर को अपने आप फ्लो करने देना रहता है। जो हम बिल्कुल फ्लैट में ये कर रहे हैं पेंटिंग, हल्का सा ना पेंटिंग को ऐसे ऊपर की तरफ करना रहता है ताकि जो पानी का फ्लो है वो नीचे की तरफ रहे, तब और भी आराम से और अच्छा बन पाते हैं। और भी बहुत कुछ होते हैं। और जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि टाइम भी होने ही वाला है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले बेस लेयर ऐड करते हैं, ऐसे थोड़ा जल्दी कंप्लीट ऐसा लगता है कि हाँ भी हाँ और कंप्लीट हो चुका है, तब तो कॉन्फिडेंस मिलता है। हेयर का हम क्या करते हैं ना कि हमेशा हम क्या करते हैं कि ब्लू में हल्का सा पिंक मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हल्का सा पर्पल सा कलर क्रिएट होता है और ऐसा वाला हेयर बहुत अच्छा दिखता है, रियलिस्टिक भी लगता है दिखने में। डायरेक्टली आप ब्लैक कलर यूज करके मिक्स कलर हेयर बना रहे हो उसमें अलग अलग ही दिखता है, और जो आप कलर डिफरेंट कलर जैसे कि ब्लू का टोन यूज कर रहे हो, आप कलर ब्लू प्लस पिंक को मिक्स करके पर्पल क्रिएट करके कुछ ऐसे कलर आप बना रहे हो और देन आप हेयर बना रहे हो, तब वो अलग ही दिखता है, दोनों का अलग मजा है, ट्राई करना आप। यहाँ पे हम लोग ब्लू में पिंक मिक्स करेंगे, अच्छा सा एक पिंक वाला कलर क्रिएट करेंगे। अब इसको जहाँ कहाँ अप्लाई करना है, जहाँ पे हाईलाइट है बस, जैसे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से पूरा फुल कलर आप करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाता है आराम से।
यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ पे कान पे भी कलर आ गया, तो हटा लेते हैं। अभी लग रहा है कि हमारा बेस लेयर कंप्लीट हुआ है, धीरे धीरे काम करेंगे आराम से। कपड़े का कलर यहाँ पे ब्लू है, ब्लू अप्लाई करते हैं इधर। बैकग्राउंड भी हमारा हल्का सा ब्लू टाइप का ही है। तो आप कैसे भी क्रिएट करो, अच्छा ही दिखता है, कुछ भी आप बना सकते हो बैकग्राउंड में। पहले आप पेपर को बेट भी कर सकते हो और फिर कोई सा भी कलर यूज करो, बहुत अच्छा सा एक फ्लो आता है कलर में, बैकग्राउंड में बहुत अच्छा दिखता है वो। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कैसे करना है। तो यहाँ पे हल्का सा ये वाला कलर यूज करते हैं, ये वाला कलर हमको बहुत अच्छा लगता है, इससे बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखता है। शिव जी में ये बनाए थे, बहुत प्यारा दिख रहा था। बेस कंप्लीट है, अभी थोड़ा डिटेल में काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नोज पे थोड़ा कलर ज्यादा आ गया है, तो हटाने का एक तरीका है कि बस व्हाइट कलर आप यूज करो थोड़ा सा। तो यहाँ पे कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है ना, तो छुपा देंगे व्हाइट को यूज कर। चिक्स पे पिंक यूज होगा, फिर रेड ही भी, रेड कलर भी यूज कर सकते हैं, रेड या पिंक कुछ भी। ऐसे अप्लाई किए, हल्का सा उसको ब्लेंड कर देना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा शेप नहीं देना चाहिए पिंक सा, बिल्कुल सर्कल सा, तो बिल्कुल ब्लेंड कर देना है स्किन के साथ। सिंपल है, बस आपको ब्रश को हल्का सा गीला करके, गीला मतलब उसका पूरा वो कलर हटा लेना है। उसके बाद आप जैसे ब्लेंड करने का ट्राई करोगे, आराम से ब्लेंड हो जाता है। साथ में जो ये पिंक पिंक दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है, वो भी हो गया। लिप्स रेड है बिल्कुल, पहले लाइट सा एक रेड अप्लाई कर रहे हैं।
ब्लैक कलर हमेशा लास्ट में यूज करेंगे, तो क्या कर रहे हैं पहले की एक डार्क सा यहाँ पे ब्राउन सा शेड है, इसका एग्जैक्ट नेम क्या है वो नहीं पता, ये लिखे ही नहीं है इसके ऊपर, लेकिन एक डार्क सा ब्राउन सा है कलर इसमें, ठीक है उसको यूज कर रहे हैं, ब्लैक बिल्कुल लास्ट में यूज करेंगे, और इसको यूज करके आईब्रो बना रहे हैं पहले। ब्लैक मान लो पहले अगर आप यूज करोगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कि मान लो आपका पेपर वेट है यानी कि गीला है, और ब्लैक अगर आप अप्लाई कर दे तो बिल्कुल वो फैल जाता है कभी कभी, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। जो भी ब्लैक वाला पार्ट है उसको पहले हम लोग ब्राउन से बनाएंगे। शेडो है तो यहाँ पे डार्क एक्स्ट्रा दिखेगा, और ये सब चीज अगर आप काम करोगे तो आपका काम तो रियलिस्टिक लगेगा। जो आईबॉल का कलर है वो ब्राउन टाइप का ही है तो ब्राउन सिंपली यूज करेंगे। बिल्कुल लाइट फॉर्म में यूज करें और डार्क फॉर्म में यूज करेंगे कलर का। मत करो, जो भी आपको पूछना है डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सबका माइंड डाइवर्ट होगा, सीख नहीं पाएंगे। जो भी क्वेश्चन है फी को फी देख रहे हैं, फी का रिलेटेड आप कुछ मैसेज कर रहे हो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इधर मत करो। कि आप देखो एक्स्ट्रा काम हुआ है डिटेल में तो फील लग रहा है, और इस पर काम कर देते हैं। ट्राई किए फिर से, अब फिर से थोड़ा डार्क डिटेल में यानी कि थोड़ा डार्क कलर यूज करते जाएंगे धीरे धीरे, और रियलिस्टिक में काम करना स्टार्ट करेंगे हम काफी। लिप्स पे हम लोग बिल्कुल लाइट रेड पहले यूज कर रहे थे तो अभी हल्का सा डार्क रेड यूज करेंगे तो सही दिखेगा, तो करते हैं।
में कुछ टेक्सचर नहीं है रेफरेंस में, तो बिल्कुल नॉर्मल सा ये लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल सा बनाया है। ऊपर वाला डार्क रखे हैं और नीचे वाला थोड़ा सा लाइट रखेंगे। आई बॉल पे काम करेंगे, आई के अंदर काम करेंगे। आई कंप्लीटली व्हाइट नहीं होता है, हल्का सा ब्लू आप ऐड कर सकते हो जिससे कि और अच्छा दिखे, तो हल्का सा ब्लू ऊपर की तरफ ऐसे कर देते हैं। ब्लैक है ये, एक चीज और है वाटर कलर में, ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्टली ना ब्लैक को यूज नहीं करना चाहिए, ब्लैक का आप कलर मिक्स करके क्रिएट करो, देना आप यूज करो, ऐसा हम सुने हैं। पर क्योंकि ये कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है, तो आप कैसे भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्टली भी आप यूज करो ब्लैक, या फिर मिक्स करके कर सकते हैं। डायरेक्टली में होता है क्या, ये बिल्कुल ब्लैक का फॉर्म बिल्कुल ही डार्क वाला दिखता है, ब्लैक ये ब्लैक कलर यूज हुआ है। पर अगर आपको ये मिक्स करके मतलब मिक्स करके कलर अगर आप कुछ बना रहे हो ब्लैक का, तब वो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ऐसा होता है ना जैसे आउटलाइन ड्राइंग कुछ कर दी है ब्लैक सा, बिल्कुल थोड़ा सा आउटलाइन टाइप का कैसा कैसा लगता है देखने में, समझ पा रहे हो क्या? ब्लैक और व्हाइट ऐसा बोला जाता है कि नहीं यूज करना चाहिए वाटर कलर, क्योंकि आप उसे सीख नहीं पाओगे सही से, क्योंकि आपके पास पहले से ही वो चीज है, वही अगर आप मिक्स करके कुछ क्रिएट करके कर रहे हो तो उससे आप ज्यादा सीख पाओगे, ये भी कह सकते। आईब्रो आप जब भी बनाओगे आगे की तरफ थोड़ा लाइट ही रखना चाहिए, सिंचन टाइप नहीं कर देना है, आगे की तरफ लाइट पीछे की तरफ डार्क, और थोड़ा आप इस तरीके से हेयर का स्ट्रक्चर भी दिखाओगे तो और अच्छा है। तो अभी आप देखो, अब सब अगर आप कर रहे होंगे तो जैसे जैसे काम होते जा रहा है, यानी कि लाइट टू डार्क होते हुए काम जैसे 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 करते जा रहे हैं ना, आज तक अच्छा लग रहा है दिखने में, बनता जा रहा है, लग रहा है कि सही लग रहा है दिखने में, है ना? स्टार्टिंग में लगता है कि कैसा बन रहा है क्या बन रहा है, बट खुद पे ना ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप अच्छा बना सकते हो। तभी अगर आप सोच लोगे कि नहीं हमसे ना हो पाएगा तो फिर नहीं हो पाता है ना? ऐसे भी वाटर कलर डिफिकल्ट है, पहले आप रोने लगोगे तो कैसे चलेगा काम? तो कॉन्फिडेंस रखना है, तो प्रैक्टिस करना है, जो जो बताया है ना, अगर आप वो ट्राई करोगे तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जरूर आए। अभी हल्का सा ना पिंक यूज करते हैं, थोड़ा क्यूट सा बना देते हैं।
फेस ऑलमोस्ट हो चुका है, हल्का सा बस ब्लैक का शेड यूज करके और थोड़ा डार्क दिखा सकते हैं ताकि और अच्छा दिखे। लास्टली फाइनल डिटेल ऐड करते हैं, जैसे कि ब्लैक वगैरह यूज करेंगे लिप्स पे और थोड़ा सा कलर अप्लाई कर सकते हैं। जितना आप टाइम दोगे उतना आप डिटेल में काम कर सकते हो, थोड़ा सा हम कम काम करेंगे लेकिन टाइम बहुत कम है ना। फिर ब्लैक यूज करके और जो भी आप डिटेलिंग करोगे ना, जब भी आप डिटेलिंग करोगे तो उसके लिए आप बिल्कुल पतला वाला ब्रश यूज करना ताकि आप बिल्कुल अच्छे से काम कर सको। जैसे यहाँ का से मेरे पास ये बिल्कुल पतला, इससे भी मेरे पास पतला वाला ब्रश है वही यूज करते हैं मोटा, तो मेरे पास ये वाला है 000 है ये नंबर, ऐसा बिल्कुल पतला सा हो जाता है इससे काम करने में। इस तरीके से जो लाइक यहाँ पे आई लेंस वगैरह होता है वो सब बना सकते हैं बहुत इजीली। ब्लैक अप्लाई करने के ही बाद ये कितना अच्छा दिखने लगा है ना, पहले क्या होता था बार बार स्क्रीन पे। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि लिप्स के कॉर्नर्स पे ब्लैक होता है, जहाँ जहाँ ब्लैक ऐसा स्पॉट होता है वो आप बना लो आराम से। ये चीज करने के बाद अच्छा दिखता है आपका पेंटिंग।
और डार्क कलर यूज करें ब्राउन में मिक्स वगैरह करके, और इससे लाइक नोज का जो कॉर्नर था वो सब क्रिएट कर दिए और डार्क बना दिए बेसिकली। उस पर जितना आप चाहो काम कर सकते हो डिटेल में, काम कभी किए हैं क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और ट्राई करते हैं जल्दी से कंप्लीट करने का। ऐसे कर लिए, चलिए सब नेक वाले एरिया पे काम करते हैं। नेक आसान है, उसको कुछ नहीं करना है, बस शैडो ऐड करना है थोड़ा सा, क्योंकि डार्क यहाँ पे दिखेगा। सिंपली इस तरीके से शैडो ऐड करेंगे। जहां जहां रेफरेंस के अकॉर्डिंग शैडो है कुछ आ रहा है क्राफ्ट टाइप का, पता नहीं क्या है, सबको दिख रहा है ना, उनको भी दिख रहा है, बार बार कट कर रहे हैं, बार बार आ जा रहा है, न्यू फीचर है शायद जूम का। ज्वेलरी के नीचे ना शैडो पड़ेगा इस तरीके से, जहां जहां शैडो है सिंपली वहां पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देते हैं कलर डार्क में। ईयर वाला पार्ट है, ज्वेलरी वाला पार्ट जो है हमेशा लास्ट में करना होगा, क्योंकि पहले हम लोग हेयर कंप्लीट करेंगे उसके तो बाद ज्वेलरी बनाएंगे लास्ट। हेयर का हम लोग बेस लेयर कर चुके हैं, अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा काम करेंगे डार्क में। तो पहले हम लोग पिंक प्लस ब्लू को मिक्स करके पर्पल क्रिएट करें, तो अब उसमें ही हल्का सा ज़्यादा ये ऐड कर देना है ब्लू, ताकि वो डार्क कलर बन जाए। उस कलर को यूज करके अभी हम लोग हेयर पे और काम करना स्टार्ट करेंगे। हेयर का बहुत सिंपल है, अगर आपको हेयर का स्ट्रोक सिखाना है तो लाइंस लाइंस सिखाना है सिंपल है। इसके लिए आपको बिल्कुल कलर तो यूज करना ही है, लेकिन उसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में यूज करना है। जब आप ड्राई फॉर्म में यूज करोगे आपका ब्रश कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है ना, ऐसा लाइन लाइन सा दिख रहा है ब्रश के ऊपर, ऐसा दिखता है। अब इससे आप इजिली जो ब्रश का स्ट्रोक्स है वो दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो। करना कुछ नहीं है, जो हेयर का स्टाइल है यहाँ पे कृष्ण जी का, वो वाला सेल को फॉलो करते हुए आपको काम करना है। जैसे यहाँ पर है तो ये वाला हेयर है, कुछ ऐसे आ रहा था इसलिए हम ऐसे दिखाए हैं इसको, इस तरीके से सब जगह काम करना है। ये शैडो वाला पार्ट है हेयर में भी, मतलब बिल्कुल डार्क वाला पार्ट है, यानी शैडो बोल रहे हैं इसलिए इसको।
यहाँ पे पहले बहुत डार्क दिखेगा, तो आराम से यहाँ पे कलर आप यूज करो, ब्लैक भी आप यूज कर सकते हो ताकि यहाँ पे डार्क दिखे, लेकिन आराम से, क्योंकि यहाँ पे स्किन वाला पार्ट है, इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए ब्लैक। ड्राई ब्रश है, ड्राई ब्रश का बताए थे ना, कुछ नहीं है इसमें, बस कलर आपको यूज करना है बहुत कम वाटर के साथ, जिससे कि आपका ड्राई जो ब्रश है वो ड्राई ही रह जाएगा, जब आप उसको यूज करोगे इस तरीके से स्ट्रोक्स दिखेगा, सिंपल है। और ये बहुत ज्यादा, ये जो ड्राई ब्रश टेक्निक है ये यूजफुल है बेसिकली हेयर ड्राइंग करने के लिए, आराम से होता है इसमें, तो हेयर का जो स्ट्रोक्स है वो आप आराम से दिखा सकते हो। फिर से आना स्टार्ट हो गया या कोई
आई थिंक अब नहीं आएगा। ऊपर की तरफ आप देखो कैसे कलर हुआ है, सिंपली वही है, ब्लैक ब्लू पिंक यूज हो रहा है बस। बड़े वाले साइज के ब्रश से सारा जगह काम करना मुश्किल होता है, तब स्मॉल ब्रश लिए हैं और बिल्कुल फाइन फाइन डिटेल्स से करेंगे, ताकि जो ये आगे की तरफ जो हेयर है ये सब। हेयर है तो इसमें साइन भी होगा, तो हल्का सा आप इस तरीके से हाईलाइट भी रहने देना। तरीके से ना रेफरेंस में बाहर की तरफ
बाल निकला हुआ है वो हम बना दिए हैं बस। मैसेज जो भी आ रहा है हम बाद में अब देखेंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और सबको हम ये किए हुए हैं, म्यूट किए हुए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही पूछना, क्योंकि ये वाला फ्री डेमो क्लास है तो बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब कोई कोई आर्टिस्ट नहीं भी होंगे वो भी ज्वाइन किए होंगे, क्या पता ऐसे में डिस्टर्बेंस होता है अगर हम कर देंगे सबको अनम्यूट। आपको जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको ज्वाइन करना होगा, अगर कुछ भी पूछना हो ये डेमो क्लास से रिलेटेड, डायरेक्टली आप लोग मैसेज करना व्हाट्सएप पे, यहाँ पे या नहीं अलाउ करेंगे सबको। सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस जो हेयर का स्ट्रोक है जिस डायरेक्शन में वो वैसे कलर हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेस लेयर हम लोग पहले किए थे पिंक से ब्लू से ऐसे करके, बहुत तो कलरफुल टाइप दिख रहा है हेयर। फेस पे थोड़ा सा हेयर निकाल देते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में, है भी रेफरेंस में ऐसा कुछ। अभी जो मास्किंग फ्लूड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो हम लोग निकाल के, मास्किंग फ्लूड जो अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग निकाल लेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे रब करना होता है तो ये हट जाता है, जैसा रिकॉल होता है ना वैसा ही ये निकलता है हटने के बाद, वैसा ही जहां जहां अप्लाई करें आप हटा लो आराम से अगर आप ये यूज करोगे तो। और पेपर ड्राई होना चाहिए उसके बाद ही करना, नहीं तो कलर इतना फैल जाएगा। हटा लेंगे पेपर के ऊपर से सबको। थोड़ा बहुत आप और काम कर लो, जैसे यहाँ पे आप हाईलाइट हटाए हो वहाँ पे, मान लो ज्यादा अगर हाईलाइट दिख रहा है उसको कवर करने के लिए आप कर सकते हो कवर, जैसे यहाँ पर ज्यादा है।
आईलैशेस और बना लेते हैं। जो टीका है ये बिल्कुल अभी ब्लैंक सा दिख रहा है, इसका हल्का शैडो क्रिएट करना पड़ेगा साइड में, ताकि जो व्हाइट वाला पार्ट है वो सही से दिख सके। तो पीछे की तरफ शैडो क्रिएट कर देंगे ताकि इस पे फोकस जा सके। तरीके से हमारा फेस कंप्लीट है कृष्ण जी का। ईयर पे काम करते हैं जल्दी से। जितना आप टाइम दोगे उतना आप अच्छे से काम कर पाओगे। इसे अच्छा टाइम नहीं दे रहे हैं इसलिए, मतलब इस पर अभी और काम हो सकता है जो कि हम करेंगे भी बाद में। थोड़ा बहुत करेंगे, सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे बाकी, लेकिन बाद में हम और करेंगे सब कंप्लीट, ताकि और अच्छा दिख सके। ज्वेलरी का करते हैं, मैं सिंपल सा बस येलो कलर यूज करेंगे। ध्यान बस ये देना है कि कहाँ पर हाईलाइट है, जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे लाइटली येलो होना चाहिए, जैसे कि इस तरफ शैडो है और इस तरफ हाईलाइट आ रहा है, इस तरीके से बीच में हाईलाइट आ रहा है, तो ये ध्यान देना है कहाँ पे हाईलाइट है कहाँ पे शैडो। आप काम करोगे तो आपको बहुत रियलिस्टिक लगेगा, अच्छा दिखेगा। हल्का सा ऑरेंज, भी आप इस पर डिजाइन बना लो अपने अकॉर्डिंग, सब चलेगा। कलर का फ्लो अपने आप हुआ है, हल्का सा बस मिक्स कर देते हैं। जो कपड़ा वाला पार्ट है ये ब्लू कलर का है, यहाँ पे भी हल्का सा डार्क ब्लू, कपड़ा का जो स्ट्रक्चर है ना वो हल्का सा बस क्रिएट कर देंगे बस। और कुछ दिखना चाहिए कि ये कपड़ा है। ठीक ड्राई करते हैं इसको। अभी हम क्या कर सकते हैं कि डिजाइन आप ऐड कर सकते हो, जो आप ये ज्वेलरी वाला पार्ट बनाए हैं, फिर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग या फिर रेफरेंस में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ आप क्रिएट कर लो। हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस में डिटेल में उतना अभी हो नहीं पाएगा। नॉर्मल सा कुछ भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं डिजाइन वगैरह।
शैडो दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से शैडो दिखाइएगा। डिजाइन यहाँ पे ब्राउन कलर से बनाए थे। अब ब्राउन कलर में हल्का सा ब्लैक मिक्स करके जहाँ पे शैडो है वहाँ पे डार्क इस तरीके से दिखाएंगे। शैडो इस तरफ आ रहा है। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं कि स्टोन वगैरह कलरफुल ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे से पिंक कलर लेते हैं इस तरीके से। सेम यहाँ पे लग रहा है ना प्यारा सा। अभी क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, अभी आर्ट्स पे काम कर सकते हो, लाइक ज्वेलरी वगैरह पे और कुछ कर सकते हैं क्रिएटिव। ये हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी मोर पंख बस बचा है वो कंप्लीट करते हैं। मोर पंख का कुछ नहीं है, बीच में ब्लू यूज होगा और उसके बाद ग्रीन फिर ऑरेंज। पहले जो लाइट वाला कलर है उसको पहले बनाएंगे। फिर बीच में ब्लू ऐड कर सकते हैं। और जो बाहर का है वो ग्रीन होगा। नॉर्मल से बस जो मोर का इफेक्ट होता है कलर रहता है वैसा दिखा देते हैं बस। यहाँ पे मोर पंख है। ये मेरे पास ना एक्रेलिक मार्कर है ब्रुस्टो का, इससे ना आप व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा दिखता है ऐसे यहाँ पर। जहाँ पे भी कुछ कमी लग रहा है इससे हम लोग अच्छा से बना लेंगे। बस कंप्लीट है, हो गया मतलब। और इसमें काम हो सकता है जो कि हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो बहुत। ये था हमारा पेंटिंग वाटर कलर में। मजा आया सबको? किसी को तो मजा आया सीखने में।
अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, अब हम बाद में और काम करेंगे वैसे, जो कि आप देख लेना पोस्ट वगैरह कर देंगे चैनल है ना, तो ये हेयर वाला पार्ट है, इसमें और काम हो सकता है जो कि हम नहीं कर रहे हैं सही से अभी। बस इसको मास्किंग टेप को निकाल देना जो कि आराम से निकल जाएगा, और वर्कशॉप का आप लोग देख लो जिसको ज्वाइन करना है वो आप समझ लो आप लोग। ये जो पांच पेंटिंग दिख रहा है, शिव जी का और राधा जी का, कृष्ण जी हो गई, और ये वाला है जो है और राधा जी का, ये सब का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा अगर आप क्लास क्लास ज्वाइन करते हो तो। ये पांच पेंटिंग है। अब इसके बाद ये लाइव वाला कहाँ गया? हाँ ये लाइव वाला है। वाटर कलर वर्कशॉप में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, चार तो बेसिक का क्लास ही होने वाला है स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग बेसिक बेसिक ड्राइंग करने वाले हैं बेसिकली। पहले ये तरबूज वाला ड्राइंग है, ये करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सिंपल से जब आप स्टार्ट करोगे आप तो आपको बहुत इजीली समझ में आ पाएगा। तो फर्स्ट हमारा ये ड्राइंग होने वाला है, देन हम लोग ये सिंपल सा जो घर वाला, ये लैंडस्केप पेंटिंग हो गया, ये वाला वाला हम लोग करेंगे, जो कि इससे थोड़ा हार्ड हो गया ये वाला है ना, इस फ्रूट वाले पेंटिंग से ये हार्ड हो गया। देन इससे हार्ड वाला पेंटिंग जो कि ये आई वाला, ये करने वाले हैं। देन इससे हार्ड वाला पेंटिंग जो कि ये सिंगल वाला है, ये करेंगे। देन हम लोग ये कंप्लीट पेंटिंग करेंगे राधा कृष्ण जी का। ये वाला बहुत अच्छा सा रेफरेंस लगा, तो ये वाला हम सिखाएंगे क्लास में। राधा कृष्ण जी का डिटेल भी बहुत ज्यादा सुंदर सा डिटेल है इसमें, रेफरेंस तो है ही प्यारा, बहुत मजा आया करने में आप सबको। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो जल्दी से जल्दी आपको मैसेज करना, और 23 तारीख को क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज 20 तारीख है, 3 दिन है ना, 3 दिन का मुश्किल से 2 दिन ही है, तो आप लोग ज्वाइन करना अगर इंटरेस्ट हो, सीखना चाहते हो सही से। आप लोग देख ही लियो कैसे हम सिखाते हैं, अभी बस 10% मुश्किल से 10% सिखाए हैं ऐसे डेमो क्लास। पूरा पेंटिंग आप लोग देखो ऐसा दिख रहा है। क्वेश्चन है किसी का? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपने क्या अच्छा लगा, बहुत कुछ बोलने का। अगर कोई कोई भी डाउट है आप सबका, कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप क्वेश्चन वगैरह है। रिकॉर्डिंग 10 बजे के अराउंड चाहिए, 2 घंटा जो क्लास नहीं ज्वाइन कर और इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना क्लास, 2 दिन बाकी है। कोई क्वेश्चन है? गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।